हरियाणा कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी के इस मौसम में मौसमी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं, जिससे घर घर में मरीजों की चारपाइयां लगी हैं। वहीं अस्पताल भी हाउसफुल चल रहे हैं। इन दिनों उल्टी दस्त, पेट दर्द, तेज बुखार के अलावा खसरा व चेचक की बीमारियां भी धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी हैं। जिसे डॉक्टर चिकन पॉक्स बता रहे हैं, चेचक का शिकार बच्चे ही नहीं बड़े भी हो रहे हैं, जिन्हें मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं और तेज बुखार रहता है। गांव समोगर में ऐसे ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया। गुर्जर आरक्षण समिति के नेता भूरा भगत ने बताया कि गांव समोगर निवासी विद्युत कर्मी तिमन सिंह पुत्र फतेह सिंह की करीब एक सप्ताह पूर्व तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए 5 दिन पूर्व बयान अस्पताल लाया गए, जहां उसे परामर्श व दवाइयां दी गई। आज तबीयत अधिक बिगड़ने पर अस्पताल लाए तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की इच्छा पर युवक के शव का बयान CSC में मोर्ची में शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इस युवक के शरीर पर चेचक जैसे घने फफोले हो गए थे, जिसे चेचक ही बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक थाना पर सूचना मिली है, एक व्यक्ति खसरा चेचक की बीमारी से आया है, जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जो 3-4 दिन से खसरे और चेचक की बीमारी से बीमार था, जिसको परिजनों ने तहरीर पोस्टमार्टम कराने की दी है। पोस्टमार्टम कराया जाकर उसको की जाएगी, जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई की जाएगी। बताइए, आज जो अभी तिमन सिंह निवासी समोगर की जो डेथ हुई है, ये जो चेचक बड़ी माता कह सकते हैं, खसरा कह सकते हैं, इस तरह से ये हुई है। ये 4-5 दिन से ही, मात्र 5-4 दिन से बीमार हुए थे और दवाई भी ली थी, थोड़ा बहुत रिलीफ भी था। अचानक आज ज़्यादा बढ़ गई और वो डेड हो गए। मैं इस विषय में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो चेचक बड़ी माता का जो पहले जो रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक कदम उठाए, आज ये बीमारी पुनः अपना बहुत बड़ा रूप धारण कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को और हॉस्पिटल जो कि प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि इसका एग्जाम्पल करके और इसका उपचार तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए, उपचार का उपाय किया जाना चाहिए। ये लगभग जो कि साल में 2-4-5 मौतें इस तरह की हो रही हैं और बयाना में तो ये शायद 4थी-5वीं मौत है थोड़े दिन में ही। तो इसका उपचार खोजना और उसका उपाय करना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा।